यदगुण वल्लरी मुपनयत्याकृष्य कर्णांतिकम हनुमान नाटकम में वर्णन आया है। ये वही धनुष था और वाल्मीकि रामायण में तो दो धनुषों की मात्र चर्चा ही है। इमे द्वे धनुषी दिव्य परशुराम जी ने दो धनुषों की चर्चा की थी, एक जो तोड़ डाला गया वो और एक जो उनके कंधे पर टंगा था वो। बोले इससे बड़े इससे बड़ा तीसरा कोई धनुष नहीं था। तो ये वही धनुष था। धनुष भागवत में भी तोड़ा जाता है तभी कंस मरता, बिना धनुष टूटे कोई काम सफल होता ही नहीं। धनुष टूटना माने आपका काम अब सफल हो गया, गेट खुल गया है, वो धनुष तोड़ नहीं पाते। उसके ना टूटने में कई कारण है। ये नहीं कि यहां तो गुरुजी को आगे आगे कर दिया, अब जब भीड़ दिखाई पड़ी तो गुरुजी को भूल गए। हाँ, मुसीबत के दिन होते तो गुरुजी बहुत याद आते हैं, जब बिजनेस बढ़ जाता है नुकसान तो गुरुजी को बहुत बताते हैं कि 25 लाख का पिछले साल हो गया, अभी 18 लाख का पिछले महीने हो गया, लेकिन जब लाभ होने लगता है तो एक दिन भी गुरुजी को नहीं बताते। लेकिन तुलसी बाबा ने जो चौपाई में लिखा है, दुख सुख दोनों को बताने के लिए दशरथ जी महाराज ने निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। मैंने माना कि बिना गुरु को आगे किए कोई धनुष नहीं तोड़ सकता। गुरु की परंपरा केवल भारत में नहीं है, भारत वाले गुरु में विदेश वाले गुरु में थोड़ा अंतर है। भगवान राम वाले गुरु में, भगवान कृष्ण वाले गुरु में, चंद्रगुप्त वाले गुरु में और अलेक्जेंडर सिकंदर वाले गुरु में इतना अंतर है कि वह यहां वाला गुरु रक्षा करना सिखाता है, यहां वाला गुरु दया करना सिखाता है और वहां वाला गुरु दूसरे की संपत्ति को हड़पना सिखाता है, क्रूरता सिखाता है। गुरु हर जगह है और गुरु का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम के आगे आगे गुरु जी मिथिला तक आए थे, ये बताने आए थे बेटा ये तुम्हारा लक्ष्य है, वो धनुष जो रखा है ना, बस ये तुम्हारा नहीं सबका लक्ष्य है, ये जो तोड़ेगा उसके गले में सीता जी की माला मतलब सफलता की माला पड़ जाएगी, सफलता उसे वरण कर लेगी जो धनुष तोड़ देगा। और धनुष तोड़ने में बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। बहुत लोगों को देखता हूं फुटपाथ पे सोते हैं, फिर 5000 रुपए की सब्जी लगाते हैं, फिर धीरे धीरे सब्जी के व्यापारी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो 5000 की नौकरी महीने मिल जाए, मुझे कुछ करना नहीं चाहते। अच्छे अच्छे लोगों को देखा मैंने, धनुष तोड़ने के लिए गुरु की शरण और मनोबल आत्मबल। भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो गुरु के कहने पर तोड़ा, उठो राम भंजो भो चापा मेट होता, जब कहा गुरुदेव भगवान ने तब रघुनाथ उठे। हनुमान नाटकम का मैं श्लोक आपको सुना रहा था कि संभो यदगुण वल्लरी मुपनयत्याकृष्य करणांतिकम। अरे भाई ये वही महान धनुष था कि भगवान शंकर ने जिसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचा था। संभो यदगुण वल्लरी मुप्रत्याकृष्य करणांतिकम भ्रशन्ति त्रिपुरावरोध सुदृशाम कर्णोत्पल ग्रंथया। ये वही धनुष था जिसकी प्रत्यंचा को महादेव ने कान तक जब खींचा था तो त्रिपुरासुर की रानियों के कान के कुंडल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे, हनुमान नाटकम में वर्णन आता है। और जब इस धनुष पर टनकार मारी थी महादेव ने तो उनकी माथ की बिंदी टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। ऐसे महान धनुष को भगवान श्री राम ने तहिचन राम मत धन तोड़ा। भगवती सीता ने गले में माला डाल दिया, अरे धनुष श्री राम ने तोड़ा, धनुष श्री राम धनुष के टूटते माला सिया जी ने थी पहनाई।
धनुष के टूटते माला सियाजू ने ही पहनाई, धनुष के टूटते माला सियाजू ने ही पहनाई, धनुष के टूटते माला सियाजी ने है पहनाई, सियाजी ने है पहनाई। थी कदमें छोटी सी ताजी बड़े लम बे है रघुराई, थी कदमें छोटी सी ताजी बड़े लम बे है रघुराई, बड़े लम बे है रघुराई। कभी मैं झुक नहीं सकता भरे दरबार आगे, कभी मैं झुक नहीं सकता भरे दरबार के आगे, सीताराम सीताराम राम जी के भीतर धनुष तोड़ने की भी क्षमता थी, एकाध क्षमता सबके अंदर होती है, एक होती है, एक काम करने की नहीं होती। मैं आपको इसका थोड़ा दर्शन बता रहा हूं, बस एक क्षमता होती है जिसे जाने की क्षमता तो है, बोलो जय श्री हरि, लौटने की नहीं है। तो वो जाने वाली क्षमता में अंगद जी हैं रामायण में एक पात्र, वो जाने लायक हैं लेकिन लौटने लायक नहीं। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, ये चौपाई सब लोग जी संशय कुछ फिरती पारा, ठीक है। और हनुमान जी महाराज हैं, वो जाने लायक भी हैं और लौटने लायक भी हैं, लड़ने लायक भी हैं। मैंने मान लिया बंदूक से लड़ लेंगे, भाला से लड़ लेंगे, तलवार से लड़ लेंगे। राम जी के भीतर धनुष तोड़ने की भी क्षमता थी और जितने वहां विरोधी बैठे थे उनसे लड़ने की भी क्षमता थी, लेकिन ऐसा एक योद्धा गया उससे लड़ने का कौशल बल होते हुए भी हथियार डाल देने की नौबत आ गई। और ऐसा समय आ जाए तब कैसे जीता जाए, केवल शारीरिक बल बहुत बड़ी चीज नहीं, हथियार कौशल शस्त्र कौशल भी बहुत बड़ी चीज नहीं। परशुराम जी आ गए, त्रिपुंड लगाए हैं, माला पहने हैं, ऐसे बेस के लिए रघुवंश में कहा गया था इन पे हम हथियार नहीं उठाएंगे चाहे इतना गाली दे। अब एक मुसीबत और आके खड़ी हुई है, दसों हजार राजा तो तिलमिला रहे हैं, कोई कहता सीता जी को छीन लो, कोई कहता राजा के बालकों को बांध लो, और कुछ बुद्धिमान राजा कहते हैं अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, जो धनुष तुमसे हिला नहीं उसको कमल के नाल के समान तोड़ दिया और उस बालक को बांधने की बात करो, तो मैंने सबकी बुद्धि ठिकाने आ गई। और एक बात आप जान लीजिए, ये धनुष तोड़ना एक ऐसा महान काम है, मतलब आपकी जिंदगी के जो आवश्यक कार्य हैं ये इतने जोखिम भरे हैं, इतने दिक्कत भरे हैं, इतनी संकट भरे हैं कि मैं आपको यही संकट देखो, भगवान राम की बात करे तो साधारण व्यक्ति यदि इस मैदान में कूद जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। सबसे पहले तो धनुष नहीं टूट रहा था, ये समस्या जनकराज के सामने खड़ी थी। धनुष टूटा तो माला पड़ने में बड़ी समस्या थी, और माला पड़ गई जब गले में तो से परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया, राजा अलग चिल्लाने लगे। तही अवसर सुन सिउ धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा, पतंग माने होता है सूर्य,
पतंग माने सूर्य, दिनेश माने सूर्य, दिनकर माने सूर्य, भास्कर माने सूर्य, हाँ मार्तंड माने सूर्य, विवस्वान माने सूर्य, पतंग माने भी पतंग जो उड़ाया जाता है वो ना सोच लेना आप लोग है ना, पतंग माने सूर्य। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुवंशी परशुराम जी आ गए। इधर सूर्यवंशी, सूर्यवंशी राम है और उधर भृगुवंशी राम आ गए और दो दो राम इकट्ठा हो गए। दोनों में अंतर, एक पूर्णा बता रहे, एक अंशा बता रहे। ऐसा बेस है कि योद्धा हुए होते हुए भी भगवान श्री राम ने सर झुका लिया। नाथ संबुधन भंजन हारा, और बाबा उसी को खोज रहे थे कि जिसने धनुष तोड़ा था। या तो ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे होते क्रोध का कर रहे हैं, और भीतर भीतर जान गए हैं कि धनुष परमात्मा के अतिरिक्त है, पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए उस सभा में वो भगवान को खोज रहे थे। आप ये भाव भी लगा सकते हैं है? परशुराम जी कोई मूर्ख तो है नहीं, बड़े ज्ञानी है, महान ज्ञानी है, वो ऊपर का क्रोध तो उनका दिखावा है, भीतर भीतर वो भगवान को खोज रहे थे। मधु कैटभ के मारने वाले अव्यय पुरुष नारायण को खोज रहे थे। जबकि जो बात कह करके परशुराम जी वाल्मीकि रामायण में गए हैं, अक्षयम् मधुहंतारम् जानामि त्वाम् सुरेश्वरम्, हे धनुष को तोड़ने वाले रघुकुल नंदन राम, तुम कोई साधारण मानव नहीं, मधु कैटभ के संहार करने वाले अव्यय पुरुष नारायण में तुम्हें पहचान गया हूं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया अक्षयम् मधुहंतारम्। मेरे कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण जी से भी बड़ी नोक झोंक हुई, प्रभु श्री राम बार 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 राजनीति में दो चीजें जरूर होनी चाहिए। पहले राजनीति की पाठशाला संतों के आश्रम से ही शुरू हुआ करती थी, ये राजनीति का तोड़ देखो, एक गरम है एक नरम है। लक्ष्मण जी भड़क जाते हैं, राम जी बड़े प्रेम से मना लेते हैं, यहीं से राजनीति का प्रारंभ होता है। परशुराम जी बहुत जब बिगड़ जाते हैं और क्रोध में हो जाते हैं तो राम जी बड़ी विनम्रता से परशुराम जी महाराज को मना लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, ज्यादा समय न लेते हुए परशुराम जी महाराज ने राम जी को 9 बार जय हो जय हो जय, पहले तो परिचय दिया, ये धनुष जो तुमने तोड़ डाला और ये धनुष एक जो मेरे कंधे पर टंगा है, राम जी दोनों धनुष बराबर है, ऐसा मत समझना कि टूट गया तो अब दूसरा कोई धनुष नहीं है, मेरे वाले धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मैं तुम्हें द्वंद युद्ध का अवसर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये बाबा बार बार युद्ध युद्ध कर रहे हैं और आप बार बार हथियार नीचा कर ले रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने कुल की परंपरा याद दिलाई, भले आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, भले आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन आपके पिताजी ने जो परंपरा परिवार में डाली थी, मेरा निवेदन है आपसे उसको आप लोग मानना, बड़प्पन से पैसे से कुल की परंपरा का कोई तालमेल नहीं हुआ करता। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान श्री राम ने अपने कुल की परंपरा याद दिलाई कि रामासुर महिसुर हरि जन अरुगाई रामा। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन माने भगवान के भक्त और बहु। अरे रामा हमारे कुल इन पर न सुराई, मेरे कुल में मेरे परिवार में मेरे रघुवंश में इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है, कितनों हमें ललकार रहे हैं। लेकिन तो महाराज जी आपो सुन लीजिए, परशुराम जी से राम जी ने कहा गुरु जी आप भी सुने। सब प्रकार हम तुम संहारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, सब प्रकार प्रकारे हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। Oh, 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 oh
परशुराम जी महाराज तो भीतर से निकाल के देखना चाहते थे कि मुझे जो लग रहा है वो सत्य है कि नहीं। बोले चढ़ाओ चढ़ाओ मेरे धनुष की प्रत्यंचा। लक्ष्मण जी बोले भैया इतना ललकार रहे तो थोड़ा दिखाई दो ना अपना रंग, पूर्णावतार वाला अपना प्रभाव दिखा ही दीजिए। तो परशुराम जी महाराज का जो धनुष था, मैं 2 मिनट इस पर चर्चा करना चाहूंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। परशुराम जी महाराज के कंधे पर टंगा हुआ जो धनुष था प्रेमियों, वो वैष्णवी शक्ति के प्रभाव से श्री राम जी के हाथ में चला गया और भगवान श्री राम ने उसकी जब प्रत्यंचा चढ़ाई, मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री राम परशुराम जी से बोले, महापुरुष आप तो जानते हैं कि मेरा बाण जब चढ़ जाता है तब वापस नहीं होता, और आप ये भी जानते हैं कि आपके ऊपर ये बाण चल नहीं सकता और वापस हो नहीं सकता। अब आप ही बताओ बाबा, आप ही बताओ बाबा, इस बाण को मैं किधर छोड़ूं, इस बाण को मैं किधर भेजूं, कहां जाए। हमारा तो मन है बाबा ना कि आपकी जो आने जाने वाली शक्ति है ना, कि क्षणों में आप स्वर्ग और क्षणों में आप पाताल और एक क्षण में आप, इसी को मैं समाप्त कर देता हूं। परशुराम जी के चेहरे पर पसीना पसीना आ गया। बोलो जय श्री हरि। पूरा शरीर निस्तेज सा प्रतीत होने लगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी ना, उनकी आने जाने की जो शक्ति थी उससे उनके व्रत की रक्षा होती थी और राम जी उसी को बिल्कुल निशाना बनाए हुए। मैं थोड़ा वाल्मीकि रामायण से आपको एक उदाहरण दूंगा। आपकी आने जाने की जो शक्ति है, भगवान परशुराम जी महाराज ने कहा, रघुनंदन मेरी माता रेणुका ने जब 21 बार छाती पीटी थी तो मेरे पिता के जो शत्रु और जो मानवता के शत्रु धर्म के शत्रु छत्री का चोला ओढ़े। मानो हमने तिलक चंदन लगा लिया, हमने बढ़िया कपड़ा पहन लिया और हमारे कर्म विपरीत हो गए, तो भी मैं संत ही रह जाऊंगा क्या, तो भी मैं ब्राह्मण ही रह जाऊंगा, ये तो गलत बात है। क्षत्रियों से तो परशुराम जी का कोई विरोध था नहीं, विरोध था है वंश से, सहस्त्रार्जुन के वंश से उनका विरोध था, जिन्होंने जमदग्नि की हत्या कर दी थी, मार दिया था। क्षत्रिय तो गौपालक होता है, क्षत्रिय तो ब्राह्मण का भक्त होता है, वो ब्राह्मण की हत्या कर दे फिर वो क्षत्रिय कहां रहा, वो तो राक्षस हो गया। बोलो जय श्री हरि। जो संत की हत्या कर दे, जो साधु को गोली मार दे, जो ब्राह्मण का सर काट ले और वो भी वेद पाठी ब्राह्मण का, और फिर कह दे मैं क्षत्रिय हूं, वो क्षत्रिय कहां रह गया। मांस मदिरा की दुकान पर खड़ा मिले और फिर कह दे मैं तो गायत्री जपने वाला ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण तो उसका ब्राह्मण तो पहले ही नष्ट हो गया। 21 बार है वंशियों से विनाश किया था, पूरे क्षत्रियों से नहीं, छत्री तो बहुत इधर मथुरा में सब यादव थे, उनसे कहां विरोध था, उसमें बसदेव जी महाराज भी थे, उसमें पूरा चंद्रवंश था। भैया देखो, बोले मैंने 21 बार धरती को जीता और 21 बार इनका विनाश किया और अपने गुरु महाराज कश्यप को ये धरती दान में दे दी, और तब से दान दी गई धरती पर ए राम जी मैं रात में सोता नहीं, और जब दान दे दिया तो फिर उस पर सोना क्या। दान दी गई पृथ्वी पर, रात्रि में सोता नहीं, इसी आने जाने वाली ताकत से मैं महेंद्राचल पर्वत पर चला जाता हूं, तो कृपा करके राम जी ये मेरी जो आने जाने वाली शक्ति है इसको, वैसे मैंने कभी दान मांगा नहीं, लेकिन जब से आप मिले हैं परशुराम जी की वाणी थोड़ी नरम हो गई है और राम जी से निवेदन करने लगे हैं कि जब से आप मिले हैं मुझे तब से मुझे ब्राह्मण ब्राह्मण ही उच्चारण कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समझकर ये हमें दक्षिणा में दे दो, ये हमारी आने जाने की शक्ति को नष्ट मत करो। तो राम जी बोले तो क्या नष्ट करूं। पर राम जी महाराज बोले मैंने बहुत पुण्य लोक कमाए हैं, मैंने बहुत से पुण्य लोक बनाए हैं, अपने बाण से राम जी मेरे पुण्य लोक नष्ट कर दो स्वर्ग में, क्योंकि पुण्य भगवान हमारे शास्त्रों में लिखा है पाप यदि ज्यादा होगा तो मनुष्य नरकगामी होगा, ऐसा ग्रंथों में लिखा, और पुण्य ज्यादा होगा तो मनुष्य स्वर्गगामी होगा, बस
पुण्य हमें स्वर्ग ले जाएगा, पाप हमें नरक ले जाएगा। तो ये दोनों भगवान की प्राप्ति, स्वर्ग भी भगवान की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। एक एक साइकिल की ट्यूब में से हवा निकाल करके ट्रक वाली ट्यूब में डाल दिया जाए तो कोई मुक्ति नहीं हुई ना। मुक्ति तब हुई जब मुक्ति तो ही ट्यूब पंचर हो जाए, हवा निकलकर ब्रह्मांड में चली जाए। अब पता, अब आपसे कहा जाए कि जो आपके मोटरसाइकिल वाली हवा ऊपर चली गई है उसी को पकड़ के लाओ फिर मोटरसाइकिल में भरो, तो आज अभी तक कोई विज्ञान नहीं बना है जो उसी हवा, इसी को मुक्ति कहते हैं जो वापस लौट के नहीं आता। बोलो जय श्री हरि। कोई भी गुब्बारे में हवा भरी है, गुब्बारे में कांटा लग गया, वो हवा निकल गई, कहां गई इसका कोई पता नहीं। अब वो वापस लौट के गुब्बारे में कभी नहीं आएगी, चाहे पूरा देश एक हो जाए, विदेश एक हो जाए, पूरा विज्ञान एक हो जाए, वो हवा का पता नहीं चलेगा। इसी को मुक्ति कहते हैं, आवागमन से मुक्ति। नहीं तो एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो तो बंधन ही है भैया ना। तो न स्वर्ग जाना परमात्मा की प्राप्ति है, नरक जाना, नरक नरक में पापों को समाप्त किया जाता है, ऐसे समझ लो। नरक में किए गए पापों को खत्म किया जाता है, स्वर्ग में किए गए पुण्य को समाप्त किया जाता है। जैसे धूप में खड़े होकर काम करोगे, मेहनत होगी तो पैसा मिलेगा, जब पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, 5-star होटल में चले जाओगे तो पैसा खर्च होगा, बस ऐसे समझ लीजिए। पैसा मिला तो कितने तकलीफ से मिला, और खर्च हुआ तो कितनी जल्दी खर्च हुआ। नरक को महापुरुष बुरा नहीं मानते, उसमें पाप खत्म होता है, पापों को भोगते भोगते उसकी भी लिमिट है, और स्वर्ग में भी एक एक सीमा है। अब इसमें बात यह है कि आखिर पाप करने वाला पाप करने वाला नरक की तरफ हो जाता है, पुण्य करने वाला तो स्वर्ग की तरफ, तो भगवान की तरफ कौन होता है भाई? परमात्मा को प्राप्त कौन करता है? ये दो ही कर्म है, पाप और पुण्य। तीसरा कौन सा कर्म है जो प्रभु की तरफ ले जाता है? ये प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान से ये प्रश्न किया था, सरकार आप कैसे मिलोगे, इस स्वर्ग फर्क छोड़ो आप कैसे मिलोगे। तो नरसिंह भगवान ने इतनी दुर्लभ बात कही थी, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के अंत में प्रहलाद चरित्र में एक श्लोक याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि भोगेन पुण्यम। बड़े ध्यान से ये श्लोक सुनने लायक है। अकुशलेन पापम कलेवरम, हम इसको आपको समझाते हैं ठीक से। कलेवरम काल जवे नहित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेप्स्यसि मुक्तबन्धः। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, भोगों के द्वारा पुण्य का विनाश करो, थोड़ा भी पुण्य रह जाएगा तो मैं मिलने वाला नहीं हूं। और सत्कर्म के द्वारा पापों का विनाश करो, दो चीज समाप्त हो गई ना। और यमराज के द्वारा शरीर का विनाश करो, ये भी मेरे पास तक नहीं पहुंच सकता, मैं दिव्य आत्मा हूं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। यमराज शरीर को ले लेगा और सत्कर्म पाप को ले लेगा और भोग पुण्य को ले लेगा। तीन जब समाप्त हो जाएगा तो सामने मैं खड़ा दिखाई दूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा तब कीर्तिम विशुद्धाम, तब तुम्हारी कीर्ति विशुद्ध हो जाएगी। सुरलोक गीताम अभिताय मामेप्सेसि, मामेप्सेसि माने मुझे प्राप्त करेगा तू। परशुराम जी बोले, सरकार बस मेरे पुण्य लोक नष्ट कर दो, ये अंशावतार पूर्णावतार में मिलना चाहता है, मतलब नदी समुद्र में मिलकर के गायब हो जाना चाहती है। बोलो जय श्री हरि। समुद्र के किनारे खड़े होकर कभी भी आप उसमें से गंगा के पानी को अलग नहीं कर सकते, चाहे 1000 हंस छोड़ दिए जाएं समुद्र में। प्रेमियों, ड्रम में से, बर्तन में से तो हंस दूध पानी में से निकाल लेता है, लेकिन समुद्र के पानी में से गंगा के पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। यही मुक्ति है। वो जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो सागर दिखाई पड़ता है, उसका उस पार नहीं दिखाई पड़ता। परशुराम जी ने 9 बार जय हो जय हो जय हो, जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दान कृषानु, जय
जय सुर के प्रधेनु हितकारी, जय मद मोहको ब्रह्मारी, को विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। बड़ी बढ़िया जो पाया है। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, हो करहुं गाह मुख एक प्रशंसा, जय महेश पन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञात, क्षमा क्षमा मंदिर दोषा, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए मन तप हेतु, कही जय जय जय। जय रघुवंश बनज बन भानु एक, गहन तनुज कुल दहन कर सानु, जय सुर बे प्रधेन हितकारी, जय मद को भ्रो मोह भ्रमहारी, है तीन विनयशील कर वचन रचना अति नागर, चार सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय